अच्छा क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, जी एम स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट देयर द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस मच, ये नंबर्स का रेशियो है। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों? सॉल्यूशन आप स्टार्ट कर दें, लेट द नंबर्स बी, मान लीजिए कि नंबर्स क्या हैं आपके, तो आपको पसंद है एक्स वाई तो एक्स वाई ले लें, ए बी पसंद है तो ए बी ले लें, ए एंड बी, पी क्यू पसंद है पी क्यू ले लें, तो ये आपके दो नंबर्स हो गए। अब आपको क्या गिवन है, जो गिवन है वो देख लें आप। गिवन क्या है कि देयर सम, गिवन देयर सम इज सिक्स टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन अब आपको मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, तो ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, ए और बी दो नंबर से जिनका ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी होता है। तो आप देखिए कि आपके पास क्या आया, सम ए प्लस बी, सिक्स टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, सिक्स टाइम्स रूट ए बी। क्या लिख सकेंगे आप इसको, तो इसको लिख दें अगर ए प्लस बी अपॉन टू रूट ए बी इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। अगर टू रूट ए बी का फायदा भी आपको समझ में आएगा कि टू रूट ए बी मैंने क्यों लिखा, तो टू रूट ए बी लिखने का भी देखो आप कारण समझ में आता है आपको। अगर आपको कंपोनेंटो देखो, ध्यान से देखो, मैं आपसे दो मेथड डिस्कस करूंगा, दोनों मेथड आप ध्यान से सुनना। तो अगर आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो आता है तो उसको इसको कंपोनेंटो डिविडेंडो से कर देंगे। अगर आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो में कोई थोड़ी सी भी परेशानी है तो फिर मैं अपने पास अल्टरनेट मेथड भी है, आप अपने टीचर से पूछ के उसको लिख सकते हैं। तो पहले हम कंपोनेंटो डिविडेंडो जो मोस्टली चलती है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसी कहती है कि अगर x अपॉन y है इज इक्वल टू यू बाय वी है, फिर से समझे आप, x अपॉन y इज इक्वल टू यू बाय यू अपॉन वी है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो ऐसी कहती है कि इसको लिख सकते हो आप x प्लस y अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन यू माइनस वी। ये रूल है, इसको कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, आप याद कर लें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये कॉम्पोनेंट, और ये बहुत बार काम आने वाला है आपको। तो अगर आप इसको डायरी में अपने नोट कर लेंगे तो और अच्छा होगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूँ, तो न्यूमरेटर आप ऐसे भी याद करें इसको, इसमें x प्लस वाई लिखा है ऐसा सुमत सोचे आप, ऐसा लिखा है न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और जो लेफ्ट में किया वही राइट में करना है। तो ये लेफ्ट में ऐसा है a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इधर भी सेम रूल लगाना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दोनों साइड सेम रूल लगाइएगा आप। अब आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, देखो इसको लिखा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस टू रूट ए रूट बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, ये तो फोर अपॉन थ्री माइनस वन कितना होगा टू, तो फोर अपॉन टू को क्या लिख सकते हो आप, टू लिख देंगे, अगली स्टेप में लिख देंगे, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। ये आपके लिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको आगे भी काम आएगी, पर मैंने आपको अल्टरनेट मेथड का वादा किया है तो मैं वो पूरा करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, वो आपको कुछ कंपैरेटिवली इजी लगेगी। लेकिन अगर आप ये समझ लेंगे तो मैं आई प्रिफर दिस मेथड, कि ये मेथड आपके लिए अच्छी है, आपके टीचर्स भी बहुत सारे इसको रिकॉग्नाइज कर रहेंगे, रूट ए प्लस रूट बी। लेकिन जो अल्टरनेट मेथड है उसमें कुछ खास बात भी है, जो उसकी भी खास बात आपके आगे काम आएगी, इसको ऐसा लिख दो, और वो 4 अपॉन 2 था तो 4 अपॉन 2 कैंसिल होकर 2 हो गया, इसको एक ही स्क्वायर में कर देते हैं हम, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी,
और स्क्वायर कर दिया यहाँ पर इज इक्वल टू टू, तो ये हो जाएगा आपका रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट टू। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो मैंने दोस्तों वही किया, स्क्वायर रूट इधर लगा दिया। आप ध्यान से सुनिए, आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फिर एक बार लगेगी, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे हम, वन। अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो फिर लगाना है, तो मैंने एक बार रूल लिख दिया है, आप इसको देख लो और रूल आपको समझ में आ गया है। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो यहाँ लगेगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ भी सेम रूल लगेगा, न्यूमरेटर दो साइड होंगी तभी रूल लगेगा, रूल लगने के लिए दोनों साइड होना जरूरी है। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे, रूट बी से ये रूट बी कैंसिल हो गया, ये रूट ई से ये रूट ए कैंसिल, ये रूट ए ऐड होके क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू रूट ए अपॉन में, देखिए अपॉन में देखिए रूट बी माइनस माइनस प्लस, ये भी रूट बी है और ये भी रूट बी है, टू रूट बी, टू रूट बी इज इक्वल टू और रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन। अब टू टू कैंसिल कर दें, हमें नंबर्स का रेशियो निकालना है, तो हमें निकालना है ए बाय बी की वैल्यू, ए अपॉन बी की, तो इसका स्क्वायर कर दो। अब आप स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड देखिए तो क्या होने वाला है आपके पास, ये आ जाएगा आपका रूट ए बाय बी होल स्क्वायर और रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ए बाय बी, इसका स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर रूट टू स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू रूट टू इंटू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अब देखिए कैंसिल कैंसिल जो होना होगा वो हो जाएगा, कैलकुलेट जो कर लेंगे वो देखते हैं क्या आता है, तो ये रूट टू का स्क्वायर टू, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, आ ही गया अपना, कुछ कैंसिल नहीं हुआ, अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू, ये आ गया ना आपका रेशियो, ए इज टू बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री माइनस टू रूट टू। तो ये था दोस्तों इसका डायरेक्ट मेथड, जो लोगों को ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पॉपुलर है, और जो अल्टरनेट मेथड है वो वाली मैं अब आपसे डिस्कस करता हूँ। मैंने बताया था कि वो कंपैरेटिवली इजी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, और एक बार जिन्होंने इसे समझ लिया है उस मेथड को नहीं देखना चाहते हैं तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। आप देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने, सिक्स लिखा है, मान लीजिए सिक्स, सिक्स तो है ही है ना, सिक्स अपॉन कितना है वन है। अब मान लीजिए कि आपकी एज तकरीबन 16 साल है और आपके फादर की एज है 48 ईयर्स, और दोनों की जब एज का रेशियो बोलेंगे तो आपकी फादर की एज और आपकी एज का रेशियो 3:1 है, तो क्या आप 3 साल के हो। आप देखिए यहाँ लिखा है फादर, यहाँ लिखा है सन, तो फादर अपॉन सन का रेशियो 3:1 है, तो क्या फादर 3 ईयर्स का और सन 1 ईयर का, नहीं, फिर क्या बोलेंगे हम, फादर कितने ही साल का है, फादर 3 के ईयर्स का है, सन 1 के ईयर का है, 1 के मीन्स 1000 नहीं, के मीन्स यहाँ के से मतलब 1000 नहीं है, यहाँ आपके के का मतलब है एक कोई कांस्टेंट है जो कैंसिल हो गया, इसमें कौन सा कांस्टेंट कैंसिल हो गया था, 16, वो पता नहीं चलता कि कौन सा कैंसिल हो गया। कभी मान लीजिए कि एक फादर 60 ईयर्स का है और उनका बेटा 20 ईयर्स का, तब भी तो यही रेशियो आएगा आपका 3:1, तो क्या पता चलेगा कि फादर 60 का है कि फादर 48 का है, सन 16 का है कि सन 20 का है, तो ये एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो आप इसको के में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, के में, ये के मेथड है, ये बहुत पॉपुलर है, इससे भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ए प्लस बी की हो गई 6 के, रूट ए बी की कितनी हो गई, रूट ए बी की हो गई के। अब एक फार्मूला है, वो फार्मूला
a minus b is equal to root a plus b whole square minus 2 root ab whole square. ये आपको ध्यान रखना है. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा. तो ये फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको. अगर आपने ये फॉर्मूला याद रखा तो ये और भी काम आएगा आपको. अब a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे देखो. a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6 के स्क्वायर माइनस कितनी है ये k स्क्वायर है. तो ओ सॉरी यहाँ पे 2 रूट ए बी लिखा है ना, 2 रूट ए बी ये रूट ए बी की वैल्यू है. तो ऐसा आएगा आपके पास 2 के होल स्क्वायर. कैलकुलेट करना है यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. 36 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, तो 36 में से 4 गए तो कितना आया आपके पास 32 के स्क्वायर. 32 के स्क्वायर को क्या लिख सकेंगे हम, तो देखिए 32 के स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू 32 को आप ऐसा लिख दें 4 × 4 × 2 इंटू के स्क्वायर तो मालूम ही आपको. तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पे k हो जाएगा. ये किसकी वैल्यू है दोस्तों, ये a माइनस बी की वैल्यू है. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a इज़ टू b. a इज टू b कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये मैं इसको नंबर दे देता हूँ 1, इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2. तो a कैसे निकालना है, तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 2a आ जाएगा. तो देखिए 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 2 कर देता हूँ मैं. 1 प्लस 2 से क्या फ़ायदा होगा देखना. 1 प्लस 2 से क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी ऐड हो जाएंगे. ये हो जाएगा 2a. 6k प्लस 4 रूट 2k और 1 माइनस 2 से क्या होगा, तो 1 माइनस 2 से दिस माइनस दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस बी. तो 2b अपॉन माइनस करना है ना 6k में से, तो 6k माइनस 4 रूट 2k. डायरेक्ट कर दिया. आप वैसे भी कर सकते थे, एक बार 1 प्लस 2 करो, एक बार 1 माइनस 2 करो, फिर निकालो वैल्यू. अब ये हो गया आपका आंसर, डायरेक्ट आ गया a बाई बी. इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2k कॉमन, तो निकाल लीजिए कॉमन. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2. तो दोस्तों दोनों मेथड समझाई, दोनों मेथड में से ये मेथड कंपैरेटिवली इजी समझते हैं बच्चे. आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, आप अपने टीचर से बात भी कर सकते हैं. और बस एक ही चीज़ याद रखना है, मैसेज फॉरवर्ड करें, सब तक पहुंचाएं, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें. ऑल द बेस्ट.